हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस जस्ट हर्ब्स के ब्लेमिशेस जेल का, जिसे मैंने परचेज़ किया है स्मीटन से ओनली वन ट्रायल पॉइंट्स में। यू नो कि स्मीटन से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज शूट की हैं। स्मीटन से सैम्पल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आप यूज़ करके उसके बाद अगर आपकी स्किन पर सूट करते हैं तो आप बड़े वाला पैक ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये मुझे मिला है ओनली वन ट्रायल पॉइंट्स में। तो आप देख रहे हैं ये क्यूट सी छोटी सी पैकिंग है और इसे मैंने यूज़ कर लिया है। एंड यूज़ करने के बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर होनेस्टली शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैंने इसे परचेज़ किया, इसको सिलेक्ट किया मैंने ट्रायल पॉइंट्स में, तो मैंने देखे उसके रिव्यूज़ एंड रिव्यूज़, और मैंने जो इसे यूज़ किया उस रिव्यूज़ के अगर मैं बताऊँ तो टोटली डिफरेंट थे। तो किस तरह से डिफरेंट थे वो चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का कंटेनर रहता है इसका, जो कि मैंने ख़रीदा है वन ट्रायल पॉइंट में स्मीटन से। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं मार्केट से, तो ये छोटे वाली पैकिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्मीटन पर अवेलेबल है। अगर आप इसे मार्केट से या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो बड़े वाला पैक मिलेगा, जिसकी डिज़ाइनिंग डिफरेंस रहेगी, बिल्कुल चेंज होगी। एंड इसके जो प्राइजेज़ हैं, अफोर्डेबल प्राइस इसको नहीं बोल सकते, बिकॉज प्राइजेज इसके बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने चेक किया है कि 100 ग्राम की जो ये ब्लेमिशेज जेल क्रीम आती है वो आपको 513 या 515 तक की मिलेगी, एंड कहीं पर तो इसके प्राइसेस 700 तक के भी हैं। और अगर बात करूँ इसकी शेल्फ लाइफ की, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है, 6 मंथ तक की ये इसकी शेल्फ लाइफ है, तो जो कि मुझे इसका ये ड्रॉबैक लगा। एंड इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले गए हैं, काफ़ी कम इंग्रेडिएंट के साथ ये प्रोडक्ट बनाया गया है, लेकिन इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है इंडियन मैडर एंड फ्योमेट्री। और ये हमारी स्किन पर किस तरह से काम करते हैं वो तो मैं आपको अभी दिखाने ही वाली हूँ। और ऐसा गया है प्रोडक्ट के बैक साइड में कि ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, और नेचुरल है बिल्कुल, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है। पैराबेंस नहीं है, मिनरल ऑयल्स नहीं है, कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएं। एंड साथ ही साथ इसके यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसे कूल प्लेस पर रखना है आप, और एक तरह से ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करती है अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे मैंने इसे यूज़ किया तो। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने 3 बार यूज़ कर लिया है अपने फेस पर, एंड 3 बार फेस पर यूज़ करने के बाद ही मैं समझ गई हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो मैं आपको इसका रिव्यू दे सकती हूँ। बिकॉज एंड यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आपको 4 से 5 मिनट की मसाज करनी है इसे अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में, एंड आफ्टर दैट आप नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करना है। एंड मैंने इसे 4 से 5 मिनट फेस पर मसाज दिया अच्छे से, और इसको यूज़ करने के बाद मुझे अपने फेस पर बिल्कुल भी कुछ भी डिफ्रेंसेस नहीं दिखे, सच बता रही हूँ ट्रूली, कुछ भी सॉफ्टनेस तक भी मुझे इसको लगाने के बाद नहीं फील हुई। और अगर ब्राइटनेस की बात करूँ तो वो भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। मैं अगर बात करूँ तो ये एक तरह के मॉइस्चराइज़र की तरह तो भले ही काम करता है कि आप इसको लगाकर अपने हाथ पैर पे लगा सकते हो, लेकिन अगर फेस पर एक ब्राइटन देने की, ग्लो देने की बात करें तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और मुझे इसके लगाने के बाद बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं दिखा, फेस वॉश हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर नॉर्मल हम फेस वॉश से भी फेस वॉश करते हैं ना, तो भी फेस पर एक थोड़ी सी क्लीनिंग आती है, तो ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, ये था मेरा होनेस्ट रिव्यू इस चीज़ के बारे में, और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप इसे परचेज कीजिए, बिकॉज क्योंकि अगर आप सैंपल प्रोडक्ट लेते हैं तो हो सकता है 1 ट्रायल पॉइंट्स में आपको मिल जाए और आप यूज़ करके देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको 200-300 रुपये खर्च करके परचेज करें उसके बाद भी इसके मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट कुछ आने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद जो मैंने चीज़ें देखी और मुझे इसके कुछ रिजल्ट्स खास नहीं लगे। एंड अकॉर्डिंग टू माय रिव्यू, प्लीज़ डोंट परचेज इट एंड डोंट वेस्ट योर मनी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।